Welcome to Spice Up with Madhvi. Egg thought. Welcome to Spice Up with Madhvi. फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मुझे फुर्सत मिली कि आराम से बैठकर शाम की चाय पी जाए। लेकिन फिर जब चाय के साथ कुछ खाने का दिल करता है, आजकल ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ कुछ झटपट से ऐसी चीज बनाई जाए जिसे चाय के साथ मजा आ जाए खाने का। तो मैंने फिर वो फटाफट से वो रेसिपी बना डाली। बिल्कुल 10-15 मिनट घर में जो कुछ भी था मैंने उसी से ये रेसिपी बना करके तैयार कर दी। तो देखें ये क्या रेसिपी है। तो इससे पहले कि रेसिपी की शुरुआत करें, मैं आपको बताऊं क्या बनाने वाले हैं और कैसे बनाने वाले हैं। फटाफट से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपके पास फटाफट आए और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो चलें चलते हैं, आज की जो रेसिपी है वो बताने की मैं आपको शुरुआत करती हूँ और बताती हूँ कि यहाँ हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा हम बना रहे हैं चिड़वा। यहाँ पर वैसे तो आप जब चिड़वा बना रहे हैं, आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं वो बहुत सारी इसमें डाल सकते हैं। पर यहाँ देख सकते हैं, मैंने जो पोहा लिया है तो ये 2-3 तरह का आता है मार्केट में, बहुत बारीक वाला भी आता है, बहुत चौड़े वाला भी आता है, और ये जो मैंने लिया है ये बीच वाला है। बट ये आपकी पसंद है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये मैंने लिया है, आप चाहें इसमें ये कॉर्नफ्लेक्स हैं ये भी डाल सकते हैं, और इधर चने की दाल है, साबुत मूंग भी डाल सकते हैं। बट ये दाल जब आप डालें, इसे हमें भिगो करके रखना पड़ता है, लगभग घंटा भर पहले आप इसे भिगो करके रखते हैं। तो ये मैंने भिगो कर रखी है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे मैंने थोड़े से काजू ले लिए हैं, बादाम हैं, हम पीनट्स भी ले लेंगे तो वो भी है। बट उससे पहले हम आगे की तैयारी करें, हमें इसका जो मसाला है वो तैयार करके रख लेना है। तो आप देखिए, यहाँ मैंने ये ले लिया है एक बोल, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये लगभग 1 टेबलस्पून के करीब शुगर है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और इसमें हमने क्योंकि ब्लैक पेपर भी, ब्लैक जो सॉल्ट है वो भी डालना है, तो मैं वाइट सॉल्ट थोड़ा सा ले रही हूँ। तो ये मैंने ले लिया है, इसके साथ ही हम डालेंगे रेड चिलीज, वो आप अपने हिसाब से, आप तीखा खाते हैं आप ज़्यादा ले लीजिए, कम खाते हैं तो आप कम ले सकते हैं। फिर इसमें जैसे कि मैंने बताया था, हम दोनों सॉल्ट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे ये ब्लैक सॉल्ट, काला नमक जिसे हम कहते हैं, इसे डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर है मेरे पास में, तो ये मैंने छोटी चम्मच ये भी ले लिया है। और इसको एक अच्छा सा रंग देने के लिए यहाँ मैं एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची भी ले रही हूँ, तो ये मैंने इसमें डाल दी है। और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ये देखिए ये मिक्स हो गया है। ये देखिए, तो चलिए चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है, और इसे अब हमें सब चीज़ों को बिल्कुल मीडियम से लो के बीच में पकाना है। और हर एक जो चीज़ें हैं वो अपना अपना टाइम देती हैं, कुछ पकने में जल्दी पक जाती हैं, क्रिस्पी हो जाती हैं, कुछ है जैसे पीनट्स हैं वो टाइम लेंगे, तो हमें ये देखना है। और ये क्योंकि मैंने ये इस तरह से छानी ले ली है, इसके अंदर हम रख के फ्राई करेंगे, अदरवाइज अगर हम इन्हें सीधा पैन में डाल देंगे तो ये फिर चारों तरफ बिखर जाएगा और हमें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलें इसको फ्राई करते हैं हम इस तरह से।
देखिए ये हमारा जो पोहा था ये अच्छे से फ्राई हो गया है और इसे अब हम इस तरह से यहाँ बोल में निकाल लें। और जो हमने ये मसाला बनाया था इसे अब हम थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये गरम है तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसमें अच्छी तरह से इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम पीनट्स ले लेते हैं, ये पीनट्स हैं जो हम इसमें डालेंगे। पीनट्स को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे पीनट्स हैं, ये भी रेडी हो गए हैं, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। पीनट्स मिक्स कर देंगे, आप चाहे तो जो छिलके वाले पीनट्स होते हैं ना वो भी ले सकते हैं, तो ऑप्शनल है। और इसको भी हम इस तरह से मिक्स कर देते हैं। हम काजू हैं, ये जल्दी हो जाते हैं तो हमें जरा ध्यान रखना पड़ेगा, कैशू नट्स को फ्राई करने में टाइम बहुत नहीं लगता है। ये देखिए ये हो भी गए हैं तो इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे और इसमें डाल देते हैं ये मसाला। अब ये जो एलमंड्स हैं हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। एलमंड भी फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी बाहर निकाल देते हैं। कर देते हैं और हमारा मसाला ठीक। और अब करी पत्ता, जो कि सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ मैंने ये कॉर्नफ्लेक्स जो हैं वो लिए हैं, वैसे तो ये बेक्ड होते हैं लेकिन इसे हम एकदम तेज आंच में बस 15 सेकंड के लिए डाल करके एक बार निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारी चिड़वा मिक्सर में थोड़ा सा अजीब टेस्ट देगा अगर हम इसे फ्राई नहीं करेंगे तो। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें ऐसे ही डालना चाहते हैं तो ऐसे ही डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। तो इसे अब हम इस तरह बस इतना ही हमें करना है। इसमें भी अब हम इस तरह से अपना मसाला डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। सबसे आखिर में तो चने की दाल हमने भिगो कर रखी थी, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दाल हमें भिगो कर रखनी ज़रूरी है, और आप को जैसे मैंने बताया था कि आप साबुत मूंग भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद है, इवन जो मुरमुरा जिसे हम बोलते हैं वो भी आप ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी इसमें मिक्स करें। तो अब हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए दाल भी हमारी फर्स्ट क्लास से फ्राई हो गई है, इसे भी हम निकाल लेंगे।
ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, देखते रहिए स्पाइस अप विद माधवी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, मिलती रहूंगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।